गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉर्न। आई नो तीन पेपर्स हो गए हैं, दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो पेपर बहुत अच्छे गए या एवरेज गए, ठीक ठाक गए। दोनों ही सिचुएशंस में मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगी, द बैटल इज नॉट ओवर येट। कभी भी पासा पलट सकता है। अगर पहले के पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं, आपने अभी लेजीनेस दिखा दी, अभी आलस कर गए और पेपर फोर में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए अपनी लिथार्जी की वजह से, तो बात बिगड़ सकती है। और वहीं अगर मान लीजिए पेपर पहले अच्छे नहीं गए, एवरेज गए हैं, बहुत शानदार नहीं हुए, लेकिन अब अगर आपने 80+ स्कोर कर दिया, जो कि बहुत आसान है, तो आप की पूरी नैया पार लग सकती है। यू कैन मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं, अब भी वक्त है। मोर देन 36 आवर्स आर देयर, सो हियर आई एम योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर इन फ्रंट ऑफ यू। आज का पूरा प्लान बताऊंगी, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ में आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, रिविजन करेंगे और आग लगा देंगे। ट्रस्ट मी, वी कैन डू दिस टूगेदर। मुझे जरूरत है आपके कॉन्फिडेंस की, डिटर्मिनेशन की। नीचे कमेंट में जरूर मुझे कमेंट करके बताओ, यस यू आर रेडी और नॉट। लिखो कमेंट्स में, यस आई एम रेडी, आई कैन, आई विल। अपने आप से कहो। और अब सुनो मेरी बात पेपर फोर की, प्लान की। आज आपको इकोनॉमिक्स के दो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, चैप्टर वन और फिफ्थ। न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, थ्योरी चैप्टर्स हैं, छोटे हैं, बहुत सिंपल है। चैप्टर वन का आईसीआई का वेटेज है 9 से 12 नंबर, चैप्टर फिफ्थ का भी वेटेज है 9 से 12 नंबर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तक आपने इकोनॉमिक्स की मॉड्यूल खोली है कि नहीं, चैप्टर्स आज तक कभी पढ़े हैं कि नहीं, एमसीक्यू सॉल्व किए हैं कि नहीं। अगर मेरी बात मानो, अगर आप तैयार हो मेरी बात मानने के लिए, आई कैन गारंटी यू जरूर फायदा होगा। कितना भी आप पानी में हो, डजेंट मैटर। ध्यान से सुनना, चैप्टर वन और फिफ्थ को रिवाइज करोगे कैसे। सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में रिविजन वीडियोस का लिंक दे रही हूँ। स्पीड इंक्रीज करनी है, कंफर्टेबल हो तो स्पीड को बढ़ाकर सुनना, रिविजन वीडियो सुनोगे। जैसे ही उनको कंप्लीट करोगे, यू विल सॉल्व क्वेश्चंस, एमसीक्यूज दिए हुए हैं चैप्टर वन और फिफ्थ के एंड में। जितने एमसीक्यूज है उतने मिनट का टाइमर लगा के उनको सॉल्व करोगे। चैप्टर वन रिवाइज करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, 10-15 मिनट का गैप लो, चैप्टर फिफ्थ रिवाइज करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, यू आर डन फॉर द डे। ये पूरी एक्सरसाइज लगभग 3 घंटे में आप आराम से कर पाओगे, आराम से 3 आवर्स में। उसके बाद 1 घंटे का गैप ले लो, आधे घंटे का गैप ले लो। अगर आप रात को लेट नाइट स्टडीज करते हो तो बीसीके के भी 2 चैप्टर्स बता रही हूं, वो भी करके सुना। अगर आप उनमें से जो सुबह 3-4 बजे उठते हो, तो इतना इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट करके सो जाना, इट विल बी फाइन। अब उन लोगों के लिए जो लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, बीसीके के चैप्टर भी कवर करोगे। कौन से 2 चैप्टर्स? द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बीसीके एंड स्मॉलर वंस, चैप्टर 4 और 5। जी हाँ, चैप्टर 4 और 5 कंप्लीट करोगे कैसे। चैप्टर 4 का रिविजन वीडियो है 23 मिनट का, चैप्टर 5 का रिविजन वीडियो है 52 मिनट्स का। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, दोनों के रिविजन वीडियोस आपको देखने हैं। स्पीड इंक्रीज करना चाहो कर सकते हो। जैसे ही चैप्टर 4 रिवाइज करोगे, उसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे, 30 मिनट्स का टाइमर लगा के, बैक क्वेश्चंस में से 90% से ज्यादा पेपर आता है इकोनॉमिक्स बीसीके का, इसलिए जरूर एमसीक्यू सॉल्व करोगे। पहले किए हैं अच्छी बात है, नहीं किए हैं अच्छी बात है, अब करना है। उसके बाद चैप्टर 5 बीसीके का रिवाइज करोगे रिविजन वीडियो देखकर, फिर एमसीक्यू सॉल्व करोगे 34 मिनट्स का टाइमर लगा के, डन। ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी 2.5 घंटे में। अगर आप इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 और 5 कंप्लीटली रिवाइज करने के बाद, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद में थक जाते हो, नहीं कर पा रहे हो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के बीसीके का चैप्टर 4 5 करना। अगर रात को लेट नाइट तक पढ़ पा रहे हो, रिलैक्स्ड हो, तो रात को कंप्लीट करके सोना, डन। इतना कर देने से क्या होगा मैम, इतना कर देने से आपका मोर देन 1/3 पोर्शन ऑफ द सिलेबस कवर हो गया। मतलब 100 में से 33-34 मार्क्स का पोर्शन आप कवर कर लिए हो। अब चैन और सुकून मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे का प्लान कल बताऊंगी। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया है पूरी बात। हाँ, कल सुबह 10 बजे, ठीक 10 बजे, कल सुबह ठीक 10 बजे 29 जून को मैं आपको बीसीके का एमटीपी सीरीज 2 पूरा सॉल्व करवा दूंगी।
और जो सीरीज वन है बीसी के इकोनॉमिक्स, सीरीज टू इकोनॉमिक्स, वो सब मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, अगर चाहो तो देख लेना। अगर ऐसा है कि नहीं मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया एमटीपीस, कोई दिक्कत नहीं है, मत देखो, ऐसा नहीं है वहीं सूट के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने चैप्टर्स कवर किए हैं, रिविजन अच्छे से किया है, एमटीपी में भी क्वेश्चंस वहीं से आए हैं, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं करना, मेरा ये छूट गया वो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज चैप्टर वन और फिफ्थ इकोनॉमिक्स का रिवाइज करोगे, हो सके तो चैप्टर फोर और फिफ्थ बीसीके का रिवाइज करोगे अलॉन्ग विद सॉल्विंग एमसीक्यूज। कल सुबह 10 बजे बीसीके सीरीज 2 सॉल्व करवा दूंगी और उसके बाद कल आपको बता दूंगी, फिर से हम मिलेंगे। और मैराथन वीडियोस के लिए जो लोग भी पूछ रहे हैं, जो लोग भी मैराथन लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में बीसीके इकोनॉमिक्स दोनों के मैराथन का लिंक दे रही हूँ, देख लेना, ठीक है। और 30 जून को आपका पेपर है, राइट, उस दिन सुबह 10 बजे आपको एक 10 मिनट्स का छोटा सा वीडियो दूंगी जिसमें सारे डिटेल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, इलास्टिसिटी में कब नेगेटिव साइन लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है एंड ऑल। तो 30 जून को जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन परसों आपको सुबह 10 बजे लास्ट मिनट टिप्स का भी वीडियो मिल जाएगा। मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ, ऑल माई बेस्ट विशेस आर विद यू। प्लीज जी जान लगाकर मेहनत करो, अच्छे से रिविजन करो, कॉन्फिडेंस रखो, भगवान पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, द एंटायर टीम ऑफ यूनिकॉर्म इज विद यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। कॉमेंट करके जरूर बताना क्या प्रोग्रेस रही, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या चाहते हो, विल बी देयर टू हेल्प यू। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।